नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रगति और आप सभी लोगों का स्टडी विद प्रगति में स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्केनो। जब धरती, ये हमारी धरती है और इसके नीचे मैग्मा पाया जाता है, ये रहा मैग्मा, मैग्मा। जब धरती की प्लेटें खिसकती हैं तो मैग्मा को ऊपर आने के लिए जगह मिल जाता है और मैग्मा जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर निकलता है। मैग्मा के ऊपर निकलने की इस तरह की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। देखिए, ये आपको एक पहाड़ के आकार का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में, रियली में इसको पहाड़ नहीं कह सकते हम लोग। जब मैग्मा जो है वो धरती के ऊपर पड़ के ठंडा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लावा। मैग्मा के धरती के ऊपर ठंडा होने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं लावा। लावा जो है वो दो प्रकार से होता है। पहले तो देखिए, अब जरूरी तो है नहीं कि जो मैग्मा है वो धरती पर ही जाकर ठंडा हो, मैग्मा जल में भी जाकर ठंडा हो सकता है। तो जब मैग्मा जल में जाकर ठंडा होता है तो याद रखने का ट्रिक ऐसे है, लोग कहते हैं ना कि जल पे चलना यानी कि पानी में चलना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो इस तरह से मैग्मा के जल में ठंडा होने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं टफ। और दूसरा है, जब जो मैग्मा होता है वो एक चने के दाने के समान निकलता रहता है, यानी कि कुछ इस तरह से निकलता रहता है, चने के दाने के समान। तो जब ये चने के दाने के समान निकलता है तो इसको याद रखने का ट्रिक है, घोड़ा, घोड़ा है जो कि चना खाता है, चना इसलिए खा जाता है ताकि आप तेज़ दौड़ सकें। और तेज़ इंसान क्यों दौड़ता है? हाई स्कोर गेन करने के लिए। और हाई स्कोर वो इसलिए गेन करता है ताकि उसका मेरिट में नंबर आ जाए। तो इसीलिए जो चना है उसको स्कोर से क्या हो गया, स्कोरिया, यानी कि जब मैग्मा चना के रूप में निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्कोरिया। ये जो लावा है ये एक पर्वत के समान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको पर्वत नहीं कहा जा सकता है। तो जो पर्वत के समान आकृति है आकृति, इसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा शंकु के बारे में, कुछ इस तरह से होता है, जोकर की टोपी इसका एग्जांपल होती है। और जब इसको ऊपर से ऐसे काट दिया जाता है तो ये छिन्नक का रूप ले लेता है। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा है कि लावा से कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो लावा से जो है वो आग्नेय चट्टान बनती है। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो मैग्मा है वो कहाँ से निकलता है, तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता रहता है कि मैग्मा मेंटल से निकलता है। लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं उनको ये भी पता होगा कि मेंटल के किस भाग से निकलता है, तो जो मैग्मा होता है वो मेंटल के एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट से निकलता है, एस्थेनोस्फेयर। अब हम लोग जानेंगे, तो इसके बीच में ये जो गैप पाया जाता है यानी कि जो लावा को निकलने के लिए जगह दी जाती है उसका क्या मार्ग होता है। तो देखिए, लावा के निकलने के लिए मार्ग, तो लावा के निकलने के लिए जो मार्ग होता है वो तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले मार्ग होता है छिद्र, यानी कि यहाँ से, जहाँ से ये निकलना शुरू हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं छिद्र।
दूसरा वाला पार्ट होता है क्रेटर। क्रेटर यहाँ पे जब यहाँ से कम स्पेस है, यहाँ पे कम स्पेस है, और जब यहाँ पे आगे की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही स्पेस बढ़ता जाएगा उस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे क्रेटर। और जब स्पेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कालडिला। कालडिला को कालडिला झील भी कहा जाता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी से यानी कि जब मैग्मा से लावा नहीं निकलता है तो उसमें बरसात जब होती है तो काफी ज्यादा पानी भर जाता है, इसीलिए इसको कालडिला झील भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।